अंदर पैंदे दियां फौजां दे नाल लड़न गए। पैंदे खां दियां उन्होंने ऐसी तेग चलाई, सच्ची सरकार गुरु तेग बहादुर सुमानी जी ने, ब्रह्म ज्ञानी जी ने, पर उपकारी महापुरख ब्रह्म ज्ञानी जी ने ऐसी तेग चलाई कि जद तेग चलांदियां चलांदियां मैदाने जंग विच्चों पिता जी दे कोल पहुंचे ना, ते पिता जी ने घुट के गलवकड़ी विच लै लिया। गुरु हरगोबिंद महाराज अपने पुत्र जी नूं देखदे ने, अच्छ अच्छ कर उठदे। त्यागमल जी दे इस जंग करदी दृश्य नूं देख के, जंग करदिआं दृश्य नूं देख के लोगां ने दंदा थले उंगलियां लै लिया। वाह, हरगोबिंद साहब जी दे सब तो छोटे फरजंद तेग चलाउण विच इन्ने माहर ने, और आप हैरान होवोगे उन्हां नूं शस्त्र विद्या जिहड़ी दित्ती भाई बाबा बुढ़ा साहब ने, तुहाडे ग्रंथी भी, तुहाडे हो चुके पूर्वज महापुरख भी, केवल तेग रखनी नहीं जानते, चलाउणियां भी जानते सन। शायद आप जी ने सुनिया हो कि जद बाबा बुढ़ा साहब जी हैड ग्रंथी दी पदवी ते नियुक्त होए ना, उदो उन्हां दी 82 साल तो 92 साल दे लागे उम्र सी, और ओ ट्रेनिंग दे रहे ने गुरु तेग बहादुर साहब नूं तलवार चलाउण दी। और गुरु तेग बहादुर साहब ने जद त्यागमल नाम दे अधीन तेग चलाई, पिता ने घुट के गलवकड़ी विच लिया ते कह लगे, पुत्र जी त्यागमल जी जिहड़ी अज तुसी तेग चलाई है ना, साडा दिल जित लिया। मैं लोगां नूं वाच रहा सी, पुत्र जी मैं देख रहा सी, लोग तुहाडे तेग चलाउण दे तरीके नूं ढंग नूं देख के अच्छ अच्छ कर उठे। पर पुत्र जी, केवल तेग चलाउणा ही सूरमे दा कर्म नहीं हुंदा, अज तुसी तेग साडे लई चलाई है, अज तुसी तेग गुरु घर दे लई वाही है, अज गुरु ते घर चढ़ आया दे लई वाही है। पर जमाना देखेगा भी जिस त्यागमल जी ने अज तेग मैदाने जंग विच चलाई है ते लोगां दे दिल जिते, साडा दिल जितया, एक दिन तुसी तेग दा वार सहोगे ते सारे संसार दा दिल जित लोगे। और पुत्र जी, तेग चलाउण दे लई तेग सिखनी पैंदी है। मैनू खिमा करियो, बंदे कोल शस्त्र होए चलाउणा ना आया ते जिहदे कोल होएगा ना उहदे लई खतरनाक होएगा। मान लो मैं कृपान पकड़ी, मैनू चलानी नहीं आंदी, अगे कोई एदा अभ्यास ही मिल जाए मैनू चलाउण दी, जिन्नू महारत हासिल है ते ओ खोल है, ते फिर किहदे लई खतरनाक होए मेरे लिए। शस्त्र रखना मुबारक है, और एदे वल सानू ध्यान देना चाहिए, समय दी नजाकत नूं पहचानदे होया सानू गतके दीआं क्लासां दा प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि साडे ते गुरदेव भी तेग चला के तेग बहादुर बने से। गुरु हरगोबिंद महाराज ने कहा, पुत्र जी त्यागमल जी अज अपना पोशाका देखो, अज अपने चोगे नूं देखो, तुहाडा पोशाका, तुहाडे कपड़े, तुहाडा चोगा खून दे नाल लथ पथ वा, पर अज यह खून दूसरियां दा वा, ते जदों तुसी दूसरियां दे लई तेग चलाओगे, एक दिन जमाना देखेगा कि चांदनी चौक दे मुकाम ते तुहाडे ही कपड़े तुहाडे खून दे विच टिगे होणगे।
वो स्थान है जिथे कल स्वामी गुरु तेग बहादुर साहब जी का शहीदी दिहाड़ा मनाया, जिवें मानयोग भाई साहब दस रहे सन। कौन देण दे सकदा है गुरु तेग बहादुर साहब का। मैं अक्सर एक बेनती करता हूं, कदी भी वो आदमी महान नहीं होते ना, उन्होंने दुनिया महान मनती है ते ना ही वही कदी महान हो सकते। पता कौन जेड़े अपने वास्ते जीन ते अपने लई जीन। हाँ जी, दस दो कोई भी हिस्टोरिकल पुरुष होए जेड़ा अपने लई जिया होए लोगों नू बर्बाद करके महान हो सकता है। महान तो यह होती है कि मानवता दे लई अपने आप नू, मानवता दे हितां दे लई किसे दे लई आपे दी कुर्बानी दे देनी, आपे दी अहुदी दे देनी। और गुरु तेग बहादुर साहब ने एक करके दिखाया। मस्कीन जी एक गल क्या करते सन महापुरुख कि गुरु तेग बहादुर साहब जी का शहीदी दिहाड़ा सिख ते मनाउंदे ने, सिखां नूं उदों खतरा नहीं सी। मैं अक्सर बेनती करदा हुंना, औरंगजेब ने एक भी गुरद्वारा नहीं ढाया, ढाया कोई गुरद्वारा नहीं ढाया उन्हें, उन्हें मंदिर ढाए ने। तुसी सुनिया किते भी सिख औरंगजेब ने सिखां नूं कन्वर्ट किया है? करोड़ों की गिनती में सिख उदो पैदा हो चुके, सिखां नूं कोई खतरा नहीं सी, खतरा तिलक ते जंजू नूं सी। गुरु तेग बहादुर साहब ने धर्मां की आजादी लई, धार्मिक चिन्हां की आजादी लई 9 साल के अपने नौ निहाल जी नूं आनंदपुर छड्ड दिता। और ध्यान देना गुरु प्यारिओ, गुरु तेग बहादुर साहब का जद कटिया होया सीस कई दिन बाद 9 साल के गोबिंद राय जी ने हथां ते लिया होएगा। विरासत विच पिता का कटिया होया सीस खून विच लथ पथ होएगा, ते 9 साल के गोबिंद राय जां बुजुर्ग माता जी की सोचते होंगे, ते अज उन्हां नूं केंद्रित होना चाहिए गुरु तेग बहादुर साहब के इस पर उपकार ते। अज उन्हां नूं मजाक ना किया जाए, उन्हां दे चिन्हां नूं टारगेट ना किया जाए जिन्हां ने चिन्हां दी खातर धार्मिक चिन्हां दी आजादी दे लई जिन्हां दे गुरु जी ने सिखां ने शहीदी दा जाम पीता।